नमस्कार, न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि राय। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरों के साथ, जहां चुनाव आयोग ने सोमवार को छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 7 नवम्बर और दूसरे चरण में 17 नवम्बर को मतदान होगा। नतीजे 3 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में आज से 55 दिन बाद प्रदेश को नई सरकार मिलेगी। पहले चरण में 20 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें बस्तर संभाग की 12 और राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र की 8 विधानसभा सीटें शामिल है। वहीं दूसरे चरण में बाकी 70 सीटों पर मतदान होगा। दिल्ली में सोमवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC की बैठक हुई। वहीं छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और पार्टी के विस्तार को लेकर के मंथन हुआ। इस बैठक में महिला आरक्षण, जाति जनगणना, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, कुछ अन्य राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर भी चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में चुनाव तारीखों का ऐलान एक ही साथ। भाजपा, कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। पार्टियों के सामने अब जल्द ही प्रत्याशियों के नाम की घोषणा करने की चुनौती भी है। बीजेपी, कांग्रेस के नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी आने लग गई हैं। छत्तीसगढ़ में 2 चरणों में चुनाव होंगे। 7 नवम्बर को पहले चरण में बस्तर और उनकी 12 सीटों को मिलाकर कुल 20 सीटों पर वोटिंग होगी। वहीं दूसरा चरण 17 नवम्बर को होगा। आचार संहिता लग चुकी है। अब ऐसे में होने वाली रैलियां, सभाओं, प्रचार के सारे खर्चों का हिसाब और इसका किताब चुनाव आयोग को देना होगा। लिहाजा कई पाबंदियां लागू हो जाएंगी। अब तक की तैयारियों के हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से आगे नजर आ रही है। वहीं भाजपा ने 21 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है, जबकि कांग्रेस अभी तक टिकट घोषित नहीं कर पाई है। प्रत्याशियों की घोषणा के बाद और संभावित सूची के आने के बाद भाजपा को कई जगह विरोध का भी सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।